हेलो गाइस, तो कैसे आप सब आई हो? अच्छे होंगे तो स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो। पिछली वीडियो में अपन ने 7.2 के कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे, तो इस वीडियो में अपन स्टार्ट करेंगे 7.2 के आगे वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। देखो ये दो डायग्राम है, ये दोनों क्वेश्चन ही बहुत बहुत यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा करेंगे, यानी क्वेश्चन के आने के बहुत चांस है। ठीक है, तो आपको यहाँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी करते होंगे, उनमें भी आ सकते हैं। अच्छे क्वेश्चन है, लेवल के क्वेश्चन है। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले आपका क्वेश्चन नंबर 6, उसको अच्छे से पढ़ो कहना के दर। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, आपको कोई भी चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज की शीर्ष दी हुए ए बी सी डी, चार शीर्ष दिए थे अपने, चारों को ए बी सी डी मान लिया। तो इसमें एक्स और वाई की वैल्यू याद करनी है, एक्स का है ये रहा, वाई की वैल्यू क्या है ये रहा, यही आपका क्वेश्चन। तो देखो इसको डायग्राम समझो, कई बार क्वेश्चन को पढ़ने समझ नहीं आता, डायग्राम समझ में आ जाए। समांतर चतुर्भुज है, शीर्ष दे रखे वो लिख दिए, ये क्या है इसके विकर्ण, विकर्ण क्या होते हैं जो का ए ए और सी को मिलाए यानी टेढ़ाई, यानी दो त्रिभुज में बांट दे, इसको भी बांट करने वाला है, ये एक त्रिभुज फिर ये एक त्रिभुज और एक त्रिभुज। ठीक है, तो अपन ने कुछ नहीं किया, जो इसने कहा वो लिखा है। ठीक है, तो इसमें आपको एक चीज वीडियो पहले आपको बता दूं, इसमें एक आपकी इंपोर्टेंट फॉर्मूला चलेगा, आपके फॉर्मूला चलता है, आप देख लो मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने का। निर्देशांक ज्ञात करने का फॉर्मूला चलता है आपके, तो एक्स की वैल्यू, ये दो पॉइंट है सपोज, तो अपन को इसकी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है इन दोनों पॉइंटों के बीच की, एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन में टू, ये तो एक्स की ज्ञात कर ली। वाई का ज्ञात करना हो तो वाई वन प्लस वाई टू अपॉन में टू, ये वाई की वैल्यू फाइंड करनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसमें यही काम आएगा। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो आप करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट। तो देखो सबसे पहले ये आपने डायग्राम, एग्जाम में क्वेश्चन आता है डायग्राम जरूर बनाना, क्योंकि टीचर को उससे समझ में आ जाएगी हाँ बच्चे ने कुछ लिखा है। तो सबसे पहले अपन क्या ज्ञात करें, इसके ओ बिंदु निर्देशांक ज्ञात कर ले, मध्य बिंदु को निर्देशांक ज्ञात करने के मध्य इसमें यही है ए और सी का। तो सबसे पहले ए व सी के मध्य बिंदु ओ के निर्देशांक इज इक्वल, तो फॉर्मूला क्या था, एक्स इज इक्वल टू क्या था, एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन में टू, y की वैल्यू ज्ञात करने का y1 प्लस y2 अपॉन में 2। तो देखो x x1 y1 x2 y2, अब इन दोनों में ये दोनों ले रहे हैं तो इनकी वैल्यू रखेंगे, x1 क्या है 1 और x2 क्या है x, 1 प्लस x x1 y1, y1 की वैल्यू क्या है 2 प्लस इधर क्या है 6, सोल्व कर लेंगे 1 प्लस एक्स अपॉन में 2 इधर क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा ये y इज इक्वल 8 अपॉन में 2 कितना हो गया 4। मध्य बिंदु को निर्देशांक ज्ञात कर लिए, ठीक है तो इसको करते हैं आगे। तो ये आ गया अपने मध्य बिंदु के निर्देशांक किसके, अब देखो अपन को क्या करना है, इसके भी मध्य बिंदु को निर्देशांक ज्ञात कर लेंगे बी व डी के, बी व डी के मध्य बिंदु के निर्देशांक इज इक्वल। अब देखो एक बार फॉर्मूला अपन यहाँ पे लिख लिया, यहाँ पे कोई लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कई कभी भी आप कोई दूरी को फॉर्मूला पूछे ना, फॉर्मूला एक साथ तीन चार दूरी निकाली तो फॉर्मूला ओनली एक बार लिखा करते हैं। ठीक है,
इसको करते हैं एक्स इजिकल एक्स वन की वैल्यू बीडी की याद कर रहे हैं एक्स वन की वैल्यू 4 प्लस 3 अब ऐसे ही वाई की वैल्यू वाई प्लस 5 अपॉन में 2 एक्स इक्वल तो क्या हो गया 7 अपॉन में 2 और वाई इक्वल क्या आ गया वाई प्लस 5 अपॉन में 2 ठीक है अपन मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कर लिए दोनों में। अब एक ट्विस्ट की बात इसमें लॉजिक करो। अब मैं चलो यहां पे लिखता हूं क्योंकि हम जानते हैं कि समांतर समांतर चतुर्भुज की भुजाएं समांतर चतुर्भुज की भुजाएं सॉरी आमने सामने की भुजाएं याद लिख लेना आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं अब आप एक बात सोच रहे हो यार सर इस बात का इससे क्या लॉजिक है। अब देखो लॉजिक सुनो ये भुजा बराबर ये भुजा और ये भुजा बराबर है इन दोनों के विकर्ण भी बराबर होते हैं तो क्या लिखेंगे इसलिए बीडी बराबर एसी भुजाएं बराबर है फिर कि विकर्ण भी बराबर होंगे समांतर ये तो सब शर्त होती है अपने शर्त में पढ़ा था समांतर चतुर्भुजाएं बराबर तो विकर्ण भी बराबर होंगे भुजाएं बराबर तो विकर्ण भी बराबर बीडी बराबर ये बराबर ये दोनों दूरियां बराबर है तो जो ये दोनों दूरियां बराबर है तो मध्य बिंदु के निर्देशांक तो बराबर ही आएंगे मध्य बिंदु एक ही तो जगह आएगा जहां पे दोनों पॉइंट काटेंगे। अब देखो ये दोनों है ये आमने सामने भुजा बराबर है ये दोनों विकर्ण बराबर है तो मध्य बिंदु निर्देशांक तो एक ही आएंगे तो मैं ऐसे लिख सकता हूं तो यहां पे एक्स वैल्यू फाइंड करनी है ये भी एक्स और ये भी एक्स है तो इन दोनों को बराबर कर दूं 1 प्लस एक्स अपॉन में 2 इज इक्वल 7 अपॉन में 2 कुछ ही नहीं किया मैंने। अब देखो यहां पे y की वैल्यू 4 है इन दोनों को बराबर कर दूं तो y प्लस 5 अपॉन में 2 इज इक्वल में 4 सॉल्व कर लो 2 से 2 कैंसिल x इज इक्वल 7 माइनस 1 तो x की वैल्यू क्या आ गई यहां से 6 और y इज इक्वल y प्लस 5 इज इक्वल में 4 इंटू 2 तो यहां से y की वैल्यू क्या आ जाएगी y इज इक्वल आ गया यहां पे y इज इक्वल ये प्लस का ना उधर आएगा तो माइनस का और 4 टू जा 8 माइनस 5 इज इक्वल कितनी आ गई 3 तो ये क्या था मैं फाइनल आंसर यहां पे लिख देता हूं x y की वैल्यू क्या आ गई x इज इक्वल था अपने पास 6 और y इज इक्वल क्या आ गया 3 क्या आ गया 3। अब देखो दोबारा से समांतर चतुर्भुज था भुजाएं बराबर विकर्ण बराबर तो मध्य बिंदु भी तो समान होंगे मध्य बिंदु को एक ही तो जगह काटेगा मध्य बिंदु एक ही तो है ओ ये तो इसके इसका मध्य बिंदु के निर्देशांक बराबर होंगे इसके भी ठीक है तो मैंने इसमें इन दोनों को बराबर कर दिया मध्य बिंदु का सूत्र क्या था निर्देशांक x + x2 / 2 y / y1 + y2 / 2 ठीक है सिंपल वैल्यू पुट की और यहां पे लिख दिया क्योंकि हम अपन को पता है इससे टीचर को ऐसा लगे कि हां बच्चे में दिमाग है एक बार टीचर का पैन चलने लग गया ना अच्छे नंबर फिर अच्छे नंबर में ही चलेगा। इन दोनों को बराबर कर दिया क्या आ गई x की वैल्यू और y की वैल्यू ठीक है तो ये क्या अपना फाइनल आंसर तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आप क्वेश्चन नंबर 7, ये भी सेम है, सही है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 7 कहना चला रहा है। ये क्वेश्चन एक बार समझ में आ गए तो बहुत इजी है, और आप के एक बार दिमाग में नहीं घुसाना तो आगे कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आएगी। ये था तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो। कोई ए बी वृत्त है, ए सॉरी कोई वृत्त है, उसका व्यास है ए बी, उसके मध्य बिंदु है पी, तो इसके एक निर्देशांक दे रखे अपन 2, -3, और बी बिंदु के निर्देशांक दे रखे, तो और ए के पूछ लिया, तो मैं ये लिख सकता हूं जो दिया है जो अपने को ए इज इक्वल टू एक्स कोमा वाई, पी इज इक्वल 2, -3, और बी इज इक्वल 1, 4। अब देखो एक बात, मेन बात, क्योंकि पी बिंदु वृत्त के व्यास का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु हुआ वृत्त के व्यास का, व्यास क्या होता है, ये क्या होती है, परिधि, जो इसके बीच में पूरी सीधी लाइन जाती है वो क्या होता है, व्यास, मध्य बिंदु है, अतः ए बी के मध्य बिंदु के निर्देशांक अब देखो यहां पे x मैंने फॉर्मूला क्या लिखा था, x1 + x2 / 2, y = y1 + y2 / 2, ये क्या होते हैं, मध्य बिंदु के निर्देशांक x और y, मध्य बिंदु के निर्देशांक। चलो यहां पे थोड़ा चेंज कर देता हूं, यहां पे x1 y1, ठीक है, ये क्या होता है एक्स वाई, मैंने क्या बोला था, इस दोनों ने फाइंड कर रहे हैं, ये दोनों दे रखे थे, इसको फाइंड कर रहे हैं अपन, एक्स की वैल्यू ये, वाई की वैल्यू ये, पूछ क्या रहा है एक्स वन और वाई वन, इसके निर्देशांक, तो अपन वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं इजीली। तो सबसे पहले वैल्यू पुट करते हैं, एक्स की वैल्यू क्या है इसमें 2, इसने खुद ने दी है, एक्स वन वैल्यू फाइंड करनी है, और एक्स टू क्या दे रखी है अपन को, बी, कभी पी की वैल्यू मत रख देना, बी की, ये एक्स वन, ये वन, और ये क्या है 2, अपॉन में 2, कोमा वाई इज इक्वल, सॉरी वाई तो दे रहे खापन में कितना है -3, वाई वन क्या है अपने पास, वाई वन ये दे रखा याद करना है, वाई टू दे रखा है 4, वज्र गुणा कर दू, क्रॉस मल्टीप्लाई, अपॉन में 1 मान ले, 2 × 4 x1 + 1, कोमा माइनस का कितना हो जाएगा 6, y1 + 4, ये क्या हो जाएगा, इधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, एक्स को x1 को एक साइड कर लेते हैं, 4 - 1, y1 = -6 इधर, सॉरी प्लस का 4 इधर आएगा तो माइनस का, माइनस का 6 पहले से था, देखिए आगे माइनस का 4, तो एक्स वन की वैल्यू क्या आ गई यहां से 3, और वाई वन की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 10, तो अपन फाइनली आंसर क्या लिखेंगे, अतः ए बिंदु के निर्देशांक, ए बिंदु के निर्देशांक बराबर क्या आ गए, एक्स वन की वैल्यू क्या आई है 3, एक्स टू की माइनस का 10, ठीक है अपना फाइनल आंसर। देखो
अपन ये वाली पूछते हैं एक्स वाई, एक्स वाई होता क्या है, मध्य बिंदु का निर्देशांक एक्स वन प्लस एक्स टू, ये दो होते हैं इन दोनों के मध्य बिंदु, ठीक है। तो ये अपन को दे रखा था, अपन ये वैल्यू पुट की और आंसर निकाल दिया, कुछ भी नहीं किया, फॉर्मूले में वैल्यू पुट की है, ठीक है। इसका फाइनल आंसर, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, किसी को कोई भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, ठीक है। तो ऐसे ही बने रहे आगे वाली वीडियो के लिए, थैंक यू।